अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को स्पेगेटी बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल चाइनीज़ अंदाज में। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी 2 लीटर तक पानी दे दिया, इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच तक आप लोगों ने नमक डाल देना है। उसके अलावा आप लोगों ने ऑयल इसमें 2 चम्मच ऐड करने हैं, ठीक है। ऑयल आप लोगों ने ऐड करना है, थोड़ा सा पानी गर्म होने लग जाएगा फिर हम इन स्पेटिको को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। स्पेटिको को मैंने ऐड कर दिया है इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और आप लोगों ने चम्मच की मदद से चला लेना है और पूरी तरह से इसको पका लेना है जब तक ये गल ना जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट वेट करते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से ये बॉयल हो चुकी हैं। आप लोगों के सामने है ये, देखें फाइनल लुक, ठीक है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ अच्छी तरह से, मैंने इसको निकाल लिया। अब इसके ऊपर आप लोगों ने ऑयल डाल देने हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, और आप लोगों ने हाथ की मदद से ऐसे लगा देना है। अब ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म थी इसीलिए मैंने अब चम्मच की मदद से इसको चला दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड करनी है, ठीक है। चिकन को मैंने ऐसे छोटे पीसेस में काट दिया था, तो ये आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट इसका कलर चेंज होने तक पकाते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज होने लग गया है। इसमें हम लोग डाल देंगे कुटी लाल मिर्चें, पिसी लाल मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, काली मिर्चें, हस्बे ज़ायका नमक ये डालेंगे। इसके अलावा इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच विनीगर। अच्छी तरह से चम्मच को चला देंगे, 2 मिनट इसको पकने देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 मिनट मैंने इसको पकने दिए हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने पानी में कॉर्नफ्लोर को ऐड किया, और ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब कॉर्नफ्लोर के साथ मैं इसको पकने दूंगी, कॉर्नफ्लोर के साथ मैंने इसको पकने दिया चिकन को, और आप लोग लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला और 2 मिनट मज़ीद इसको पकने देते हैं। 2 मिनट मैंने मज़ीद इसको पकने दिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजरें और टमाटर, ठीक है। गाजरें और टमाटर आप लोगों ने ऐड करनी है। गाजर आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें बॉयल किए हुए मटर ऐड कर दूंगी, और इसमें थोड़े से आप लोगों ने बड़े साइज के प्याज ऐड करने हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है, इससे बहुत ही ज़्यादा जायका आएगा। इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें चिली सॉस ऐड करना है। अगर चिली सॉस आप लोगों के पास ना मौजूद हो तो आप लोग 1 चम्मच केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें, ठीक है। इनको मैंने ऐसे काट दिया, हरी मिर्चें आप लोगों ने ऐड करनी है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को भूनना है। 2 मिनट मैं इसकी भुनाई करती हूँ। 2 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भूना है। अब हम स्पेटिकी को इसमें ऐड कर देंगे, ऐसे आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल लगाने की वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं, और ये माशाल्लाह से खिली खिली हमारी तैयार होंगी। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर दी, 5 मिनट रखेंगे इसको दम पे। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से दम आ चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी तैयार हुई हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। फाइनल लुक आ चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ अंदाज में हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक आ चुकी है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।